हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स नीटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ यह बॉर्डन पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को हम लेडीज़ स्वेटर में, कार्डिगन में या फिर बच्चों के स्वेटर में बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, ये मैंने एक ग्रीन कलर में बनाया है और एक ये लाइट ग्रे कलर में मैंने बनाया है। ट्रायंगल शेप में ये पैटर्न जा रहा है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 + 13 + 2 + 13 + 2 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगे, यानी यहाँ पर दो फंदे, यहाँ पर टोटल 13 फंदे, यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे हैं, यहाँ पर फिर दो फंदे, यहाँ पर फिर ये जो सीधे फंदे दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 13 फंदे हैं और यहाँ पर फिर दो फंदे हैं। सीधे फंदों की संख्या हम घटाते जाते हैं और उल्टे फंदों की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं और बीच में हम जाली बनाते जाते हैं। टोटल 11 सिलाइयों का यह पैटर्न है और आप इसे एज ए बॉर्डर सेट करेंगी तो यह बहुत सुंदर लगेगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो चलिए आज हम इस बॉर्डर पैटर्न को बनाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 2 + 13 + 2 + 13 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं और किनारे के लिए एक एक फंदे रखे हैं। पहली सिलाई की बुनाई हम शुरू करते हैं। पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, ऊन आगे, दो उल्टा, ऊन को पीछे करेंगे और एक बार फंदा लपेटकर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। ये हमने ऊन को पहले आगे करके उसके बाद लपेटकर एक्स्ट्रा फंदा इसलिए बनाया क्योंकि हमने इस फंदे को सीधा बुनना है। अगर हमें इस फंदे को उल्टा बुनना होता तो हम उनको आगे की तरफ पहले करते और उसके बाद ऊन लपेटकर एक्स्ट्रा फंदा बनाकर इस फंदे को उल्टा बुनते, लेकिन हमें इस फंदे को सीधा बुनना है इसलिए हम पहले ऊन को पीछे करेंगे और उसके बाद ऊन लपेटकर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 3 फंदों का एक फंदा अब हमें बनाना है। इसके लिए हम पहले बीच वाले फंदे को आगे कर लेंगे, देखिए, ताकि एक चेन जैसा बन जाए और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे और इन 3 फंदों को हम एक साथ सीधा बुन लेंगे। पहली बार 3 फंदों का एक फंदा करने में थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद फिर एक पैटर्न सा बन जाता है। देखिए, 3 फंदों का हमने एक फंदा कर लिया। 5 फंदे एक बार फिर सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ऊन आगे करेंगे, ऊन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और उल्टा बुनेंगे। एक उल्टा, एक बार फिर ऊन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और उल्टा बुनेंगे, यानी यहाँ पर हमने 2 फंदे बढ़ाए। ऊन पीछे, 5 सीधा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक बार फिर हम 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इसके लिए पहले बीच वाले फंदे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और इस तरह से, ये देखिए, और इन 3 फंदों को हमें एक साथ बुन देना है। देखिए, इन 3 फंदों को एक साथ बुन देंगे। एक बार फिर 5 फंदे सीधे, 1
दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे, उन आगे करेंगे और एक बार फिर उन लपेट कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और बचे हुए फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में हमें सीधे फंदों को सीधा बुनना है और उल्टे फंदों को उल्टा बुनना है। ऊन आगे, उल्टे फंदे हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। उन पीछे एक सीधा, दो तीन और ये चार। उन आगे एक उल्टा, दो उल्टा, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। पीछे चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। ये हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई राइट साइड, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, एक उल्टा, दो उल्टा, तीन उल्टा। ये देखिए, पिछली बार हमने यहाँ पर जाली बनाया था, एक बार फिर हम यहाँ पर जाली बनाएंगे। सीधे फंदे में हमें जाली बनाना है, इसलिए हम पहले ऊन को पीछे करेंगे और उसके बाद ऊन को लपेटेंगे ताकि एक एक्स्ट्रा फंदा बन जाए और हम सीधा बुन सकें। दो तीन चार, चार सीधा बुनने के बाद हमें इन तीन फंदों को एक साथ बुनना है। ये देखिए, बीच में हम चेन बना रहे हैं, इसे हम पहले आगे कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इन तीन फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। देखिए, तीन फंदे का एक फंदा हमने बना लिया, एक सीधा, दो सीधा, तीन सीधा और ये चार सीधा। पिछली बार हमने यहाँ पर जाली बनाया था, तो इस बार हमें यहाँ पर जाली बनाना है और ये उल्टे फंदे में बनाना है। तो उल्टे फंदे को बुनने के लिए हम पहले धागा आगे करते हैं, तो इसलिए हम पहले धागे को आगे कर लेंगे और उसके बाद लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। और ये देखिए, ये उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। दो तीन, एक बार यहाँ पर हमने जाली बनाया था पिछली सिलाई में, इस बार भी हमें यहाँ पर जाली बनाना है। ऊन को पहले पीछे करेंगे, एक बार ऊन लपेट कर एक सीधा, दो सीधा, तीन चार और इस फंदे को हम पहले आगे की तरफ कर लेंगे और तीन का एक कर देंगे। ये देखिए, तीन फंदे का एक फंदा, एक दो तीन चार। चार सीधे फंदे को बुनने के बाद ऊन पहले आगे करेंगे और ऊन लपेट कर उल्टा बुन देंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा लिया और जाली भी बन गया। सारे फंदे अब हमने उल्टे बुनने हैं।
चौथी सिलाई रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में हमें सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरा करना है। देखिए सारे हमारे पास सीधे फंदे हैं और जो फंदा बढ़ रहा है उसे भी हमें सीधा बुन लेना है। तो इस फंदे इस सिलाई को सीधे फंदे को सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए हम पूरा करने के बाद फिर पांचवी सिलाई बुनेंगे। पांचवी सिलाई राइट साइड। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा। ये देखिए ये यहाँ पर हमने पिछली सिलाई में जाली बनाया था तो यहाँ तक हमें उल्टा बुनना है। अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे और ये जाली हमें सीधे फंदे में बनाना है, इसलिए हम पहले उनको पीछे कर लेंगे और उसके बाद उनको लपेटेंगे। देखिए ये हमने उन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बना लिया और अब हम सीधे फंदे को बुन देंगे। एक दो तीन। पहली सिलाई में हमने पांच फंदे बुनने के बाद तीन फंदे एक बार बनाया था। तीसरी सिलाई में हमने चार फंदे बुनने के बाद तीन फंदे का एक फंदा किया था। अब हम पांचवी सिलाई में सिर्फ तीन सीधा बुनने के बाद तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। पहले बीच के फंदे को आगे कर लेंगे और इसे सीधा करके इन तीनों, ये देखिए तीन फंदे का हमने एक फंदा बना लिया। एक दो तीन। यहाँ पर भी हमें सिर्फ तीन सीधा फंदा बुनना है। यहाँ पर भी हमने तीन सीधे फंदे बुनने के बाद तीन फंदे का एक फंदा बनाया था और उसके बाद फिर तीन सीधे फंदे बुनेंगे, यानी इधर भी तीन फंदा और इधर भी तीन फंदा और ये बीच में चेन की तरह हमारा जा रहा है। एक बार फिर यहाँ पर जाली बनाना है और इस बार हमें उल्टे फंदे में जाली बनाना है, इसलिए पहले हम उनको आगे करेंगे और उसके बाद उन लपेट कर उल्टा बुन लेंगे। ये सारे फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। देखिए यहाँ तक हमें उल्टा बुनना है और ये हमारा जाली टेढ़े टेढ़ा रूप में जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अभी हमें यहाँ पर एक बनाना है, सीधे फंदे में बनाना है, इसलिए पहले उन पीछे करेंगे और एक बार उन लपेट कर फंदा भी हमारा बढ़ जाएगा और एक जाली भी बन जाएगा। एक दो तीन। इस बार हमें सिर्फ तीन सीधे फंदा बुनना है और उसके बाद तीन फंदे का एक फंदा कर लेना है। पहले बीच के फंदे को हम आगे की तरफ करेंगे और तीन फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, तीन फंदे सीधे। एक दो तीन। एक बार फिर हमें यहाँ पर जाली बनाना है, ऊन आगे ऊन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाते हुए उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे हमारे उल्टे हैं। छठी सिलाई रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड के में एक बार फिर हम सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे और इस तरह हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई हर बार बुनी जाएगी। देखिए ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं यहाँ तक हमें सीधा बुन लेना है और उसके बाद हम उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। हमारे हमने 13 फंदों से ये यहाँ से यहाँ तक 13 फंदों से सीधी बुनाई शुरू की थी और देखिए ये हमारे पास अब कितने फंदे बचे, सिर्फ अब 7 फंदे बचे। 13 से हम 7 फंदों तक पहुँच गए और इधर सीधे इधर उल्टे फंदों की संख्या बढ़ने लग गई है। दो तीन चार पाँच छः सात। और ये देखिए ये हमने सिर्फ 2 उल्टे फंदे बीच में रखे थे जो कि अब
सात फंदों तक पहुंच गया। उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, चार पाँच छः सात। एक बार फिर हमारे पास सारे सीधे फंदे बचे हैं, दो तीन चार पाँच छः। हमारी छः सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और हमारा पैटर्न भी देखिए कुछ कुछ समझ में हमें आने लग गया। ये देखिए, ये हमने यहाँ से यहाँ तक 13 फंदे सीधे रखे थे और यहाँ पर सिर्फ दो फंदे उल्टे थे। हमारा सीधा फंदा घटता जा रहा है और उल्टा फंदा बढ़ता जा रहा है। सातवीं सिलाई राइट साइड, पहले फंदे को हम हर बार की तरह बिना बुने उतार लेंगे। एक उल्टा, दो उल्टा, तीन, चार, पाँच। ये देखिए, इस बार हमें पांच उल्टा फंदा बुनना है और उसके बाद हमें इस सीधे फंदे में जाली बनानी है। सीधे फंदे में जाली बनानी है इसलिए हम पहले फंदे उनको पीछे करेंगे और उसके बाद उन लपेटेंगे। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब सीधे फंदे में हमें जाली बनाना होता है तो हम उनको पहले पीछे करते हैं और उल्टे फंदे में जाली बनाना होता है तो हम उनको पहले आगे रखते हैं, उसके बाद उन लपेट कर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाते हैं। सीधे फंदे को बुनना है, पहले फंदे उनको पीछे करके एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सीधा बुन लेंगे। एक, दो। इस बार हमें सिर्फ दो सीधे फंदे बुनने हैं और इन तीन फंदों का एक फंदा कर लेना है। बीच के फंदे को आगे करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, दो सीधा, एक, दो। यहाँ पर हमें एक बार फिर जाली बनानी है और उल्टे फंदे में जाली बनानी है। पहले उनको आगे करेंगे, उन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा और ये उल्टा, यानी हमारा सीधा फंदा घटता जा रहा है और उल्टा फंदा बढ़ता जा रहा है और बीच में हमें जाली जो है वो दोनों सीधे और उल्टे फंदों को डिवाइड कर दे रहा है। इस फंदे में यानी सीधे फंदे में जाली बनाना है, उन पहले पीछे करेंगे, एक बार लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और सीधा बुन लेंगे। एक, दो। इस बार हमें सिर्फ दो सीधे फंदे बुनने हैं और उसके बाद तीन फंदों का एक फंदा कर लेना है। देखिए, तीन फंदे का एक फंदा करने से पहले हमें बीच वाले फंदे को आगे की तरफ करना ज़रूरी है ताकि ये एक चेन की तरह स्ट्रक्चर हमारा आ जाए, जिससे कि ये पैटर्न सुंदर लगेगा। एक सीधा, दो सीधा, ऊन आगे, ऊन लपेटेंगे, उल्टा बुनना है। एक उल्टा, दो उल्टा, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये हमारी सात सिलाई कंप्लीट हो गई। आठवीं सिलाई रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में एक बार फिर हम सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे। नौवीं सिलाई राइट साइड, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। ये हमारे उल्टे फंदे, यहाँ पर हर बार एक उल्टा फंदा बढ़ता जा रहा है और एक सीधा फंदा घटता जा रहा है। ये देखिए, ये हमारा जाली टेढ़ा जा रहा है। अब हमें इस यहाँ पर जाली बनानी है इस सीधे फंदे में। उनको पहले पीछे करेंगे, एक बार लपेट कर सीधा बुनेंगे। इन तीनों फंदों को एक बार बुनना है एक साथ। देखिए, बीच वाले फंदे को हमने आगे करके सीधा कर लिया और उसके बाद इन तीनों फंदों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। एक फंदा सीधा। ये देखिए, ये हमने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदों का एक फंदा किया था और देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा सीधा बुनने के बाद हमने
तीन फंदे का एक फंदा किया, यानी पाँच से हमारा एक आ गया। और यहाँ पर उल्टे फंदों की संख्या बढ़ती गई, यहाँ पर भी बढ़ी और यहाँ पर भी। ऊन आगे एक बार ऊन लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, उल्टे फंदों को बुन लेंगे। यहाँ तक हमें जाली तक उल्टा फंदा बुनना है, सीधे फंदे में जाली बनाना है, इसलिए उनको पीछे करेंगे। एक बार लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा और ये सीधा तीन फंदे का एक फंदा। बीच वाले फंदे को पहले आगे करके हम इन तीनों को एक साथ बुन देंगे, एक सीधा। ऊन आगे ऊन लपेट कर जाली बनाते हुए सारे उल्टे फंदों को हम बुन लेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है और बॉर्डर में बहुत ही सुंदर लगता है। ये हमारी 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई रॉन्ग साइड, सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे। 11वीं सिलाई राइट साइड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेना है। हर बार उल्टे फंदों की संख्या एक एक करके बढ़ती जा रही है। देखिए हमने उल्टा बुन लिया, अब हमें सीधे इन तीनों फंदों का एक फंदा कर लेना है। उनको पीछे करेंगे, बीच वाले फंदे को आगे की तरफ कर लेंगे और उनको लपेट कर एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और बिना कोई फंदा सीधा बुने हुए इन तीनों फंदों का एक साथ एक फंदा कर देंगे। देखिए ये हमारा ट्रायंगल शेप हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर भी हमें एक फंदा बढ़ाना है, इसके लिए हम उनको पहले आगे करेंगे, एक बार ऊन लपेटेंगे और उल्टा बुन देंगे। ये सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए इन सारे फंदों को हमें उल्टा बुनते हुए पूरा करना है जब तक कि हमें जाली बनाने की जगह ना मिल जाए। ये देखिए, ये हमारे जाली बनाने का जगह आ गया। उनको पीछे करेंगे, एक बार ऊन लपेटेंगे और सीधे इन तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे। तीन फंदे का हमने एक फंदा कर देना है। यहाँ पर भी जाली बनाना है लेकिन उल्टे फंदे में, तो पहले उनको आगे कर लेंगे, उसके बाद उन लपेटेंगे, उल्टा बुन देंगे। है ना आसान डिज़ाइन। और आप जब इसे एज ए बॉर्डर सेट करेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो देखिए ये सारे फंदे हमें उल्टे बुन देने हैं। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना सजेशन दें कि मुझे किस तरह के पैटर्न बनाने चाहिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, नए नए डिज़ाइन बनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।